आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं जो है ना सिलेबस जो है ना पीछे वीडियो में कवर करा चुका हूं, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो फिजिक्स है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना NCERT का जो सिलेबस होता है उनके मुताबिक जो है ना मैं आज इस किताब को पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा, ये हमारे पास भौतिक है पार्ट टू है इसका, समझे। अब भारतीय भवन का ये किताब है, आप इसे अगर खरीद लेते हैं तो मैं बता दूंगा कि इसका जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा दूंगा। और इससे है ना आपको है ना ये दो चीज़ प्रॉफिट होगा, एक तो आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, दूसरा क्या होगा तो दूसरा आपको है ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्लियर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है ना बात करने वाले हैं चैप्टर वन की प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर फिजिक्स का है समझे, जो कि प्रकाश के प्रवर्तन का है नियम है समझे, उसके हिसाब से इस वीडियो में है ना आपको है ना प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है ना जो भी प्रश्न आपका बनता है बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक जरूर देखना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपको है ना पूरा 100% साइंस जो होता है ना साइंस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप है ना इस वीडियो को बस देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूं, और आपका जो है ना एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी अच्छा इतना शानदार जाए ताकि है ना आपके पास जो भी सवाल आए एग्ज़ाम में आप दे पाए उसका जवाब, ठीक है, और आपको ये ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर में पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात किया जाए प्रकाश की, तो प्रकाश क्या होता है, तो देखिए अगर मैं बोलचाल की भाषा की बात किया जाए तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है बाबू, तो प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। और प्रकाश यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, प्रकाश कहलाता है, ठीक है, देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो किसी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं या देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश, क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है, तो समझ गए। और अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, देखिए मेरे पास नोट है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो मेरे पास ये भी नोट है समझे, मैं इसे लिख कर रखा हूँ तो आपके लिए समझे। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए पॉइंट ऑफ स्टडी STM में आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको है ना पूरा का पूरा नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि है ना आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं कि आपसे मैं पैसा लेऊँ, ठीक है। तो चलिए सब समझ गए। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक क्या है, ऐसा कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु की क्या कहते हैं, देख पाते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है, प्रकाश स्रोत। तो देखिए प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनके जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, तो उत्सर्जित का मतलब जो होता है वो निकलना होता है, क्या होता है, निकलना होता है, ठीक है। तो जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन के साथ यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होती है, और उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, तो बाहर निकलना, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे, अगला हमारा सवाल है कि प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए बहुत सारे इस चैप्टर में आप देखिएगा तो यहाँ पर जाइएगा और पहला पेज में ही लिखा होगा, ठीक है, प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिक्लेयर में लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपके पास किताब होगा, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाता है बताइए। तो देखिए आपको लोग प्रदीप्त वस्तु का जो डिफिनेशन लिखिएगा कुछ इस प्रकार लिखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे प्रकाश जो है ना निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन हो जाए, तो देखिए प्रकाश किनसे निकलता है, तो सूर्य से निकलता है, चंद्रमा से निकलता है, जलता हुआ बल्ब से निकलता है, उनसे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि प्रदीप्त वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अप्रदीप्त वस्तु का एक और नाम है समझिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं
दीप्तमान, दीप्तमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीप्तमान बोलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए उसका जो है ना कौन होगा, तो उदाहरण के लिए जो है ना सूर्य हो जाएगा, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश हो जाएगी, ये सब क्या है तो प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि उनसे क्या होता है कि प्रकाश निकलता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला हमारा सवाल है अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, तो वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है, जिनसे क्या होता है प्रकाश नहीं निकलता है, वो क्या कहलाएगा, तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। जैसे टेबल, अगर मैं टेबल की बात किया जाए तो टेबल से क्या रोशनी निकलती है, नहीं नहीं निकलती है, तो ये क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये मैं आपको मरकर दे दिया और ये कहूँगा कि इससे रोशनी निकालिए, तो क्या निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको है ना अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ इसका डिफिनेशन लिखिएगा और उसके साथ साथ जो है ना इसका एग्जाम्पल भी नीचे लिखते जाना है, ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण सीधी माध्यम से सीधी रेखा से अपने ओर जो है ना आती है, समझिए, जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा से जाती है, ठीक है, और जाने के बाद एक बिंदु पर टकराती है, जाने के बाद क्या होता है, एक बिंदु से टकराती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, एक बिंदु से टकरा कर क्या होता है कि चारों तरफ फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में यानी कि अपने रास्ते से चल कर जा रही है और उसमें कोई कण से टकरा कर, एक कण है ना, यानी कि कुछ एक कण है, ये कण हमारा है, इससे टकरा कर, समझिए, वो क्या होता है, फैली चली जाती है, क्या होता है, फैलती चली जाती है, क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे बाबू, अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो है ये तो हो गया। चलिए अगला टॉपिक हमारा प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है, सरल रेखा में, देखिए प्रकाश जो होता है ना वो हमेशा सरल, सरल का मतलब सीधा, सरल का मतलब क्या होता है, सीधा रेखा में, ठीक है, तो इस तरह से वो गमन करेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तब प्रकाश की किरण कहते हैं, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे बाबू, चलिए वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल जो है ना आसान लैंग्वेज में जो है आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो चलिए हो गया। चलिए यहाँ देखिए, अगर बात किया जाए, इसकी बात किया जाए, समझिए, प्रकाश की किरण में, तो किरण देखिए, किसी भी किरण को दिखाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक किरण है, ठीक है, और यहाँ से आपको नाम दिए ए और यहाँ पर बी, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको क्या है, ए बी को डिस्टेंस में किरण लगाना पड़ता है, तो किरण यही ए बी डैश लगाकर हम उसको किरण को दिखा सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, समझ में आया। हम लोग आज हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा है, समझिए, वो क्या है कि प्रकाश की किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं भाई, तो किरण पुंज की बात किया जाए तो बहुत सारे किरणें क्या होती है कि एक साथ मिलती है, समझिए, एक साथ गमन करती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बहुत सारी किरणें एक साथ गमन करती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रकीर्ण पुंज कहेंगे, ठीक है, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, बात ये है कि समझिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किरण पुंज के प्रकार, ठीक है, किरण पुंज की प्रकार की बात की है तो किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं, आप लोग ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग एक एक करके लिखते जाइएगा, समझिए, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में सारा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो पहला जो है ना हमारे पास जो है ना अपसारी किरण पुंज है, पहला क्या है, किरण पुंज के तीन प्रकार हम लिखेंगे, किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, पहला क्या है, तो पहला हमारा है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, ठीक है, इस तरह से। दूसरा है समांतर किरण पुंज, क्या है हमारा, समांतर किरण पुंज। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो
तो आपको पता होगा ना कि किरण पुंज कैसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं समझे, क्योंकि बहुत सारी किरणें आपस में मिलती है समझे, उसे हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। अब हम समझते हैं क्या है कि यहाँ देखिए, अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक एक करके इसका जो फिगर जो बनेगा, पिक्चर जो बनेगा, चित्र जो बनेगा, मैं उसको भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब सारी किरण पुंज की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार की किरण पुंज एक बिंदु से निकल कर फैली चली जाती है। देखिए, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, देखिए एक एक बिंदु यहाँ देखिए, यहाँ पर दे रहा हूँ इसका, ऐसा किरण पुंज आप लिखिएगा, ऐसा ऐसा किरण किरण पुंज जो क्या है, जो एक बिंदु से निकलकर कर क्या होता है, फैलती चली जाती है, क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे कि अपसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। जैसे आप देखिए, मैं अगर चित्र की बात किया जाए तो चित्र कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर एक बिंदु से निकल कर, यहाँ देखिए एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु उससे निकल रहा है, ठीक है, तो उससे निकल कर जो है फैलती है, ठीक है, उससे निकल कर क्या होता है, फैलती है, तो उससे निकलेगा तो इस तरह से बाहर निकलेगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये फैली चली जाती है इस तरह से, देख रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको जो है ना अपसारी किरण पुंज कहलाएगा, और फैलने की जो दिशा है वो इधर होगा। ठीक है, याद रखिए कि इसका मतलब क्या होता है कि ये इस बिंदु से भाग रहा है, बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग समझ में आया। चलिए, अगला हमारा है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को क्या है, समांतर हो, ठीक है, एक दूसरे को आपस में बराबर है, तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं किरण की बात किया तो मैंने एक किरण रेखा खींचा, और यहाँ पर देखिए ये आपस में क्या है, ये तो गमन कर रही है, लेकिन ये आपस में तीनों क्या है, बराबर है, इसकी इक्वल इक्वल इसकी इक्वल जो है ना, ये सभी जो है ना बराबर होते हैं, तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, समझिए, मिलती हुई मालूम होती है, या मिलती है एक ही बिंदु पर आकर सभी बिंदु क्या होता है, मिलता होगा। ठीक है, मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, किरण पुंज कहलाता है। कौन से किरण पुंज कहलाता है, तो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिफिनेशन की समझ लिए, तो आप यहाँ पर चित्र देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर से क्या किया है, इसको मैंने इसको है ना एक बिंदु से फैलती चली जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही बिंदु पर सब आ रहा है, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, और इसकी जो दिशा होती है वो इस तरह से होगा। ठीक है, देख रहे हैं दिशा इस तरह से, यहाँ पर देखिए ये एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है कि वो प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, और एक ही दिशा में जो मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए चलिए आगे मैं बात करूं, समझिए, तो इसकी बात किया है तो प्रकाश क्या, आप देखिए इसमें जो है ना कुछ आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कैसे पूछे जाते हैं, तो एक एक करके आप नोट करते चलिएगा, मेरे पास समय भी कम है इसलिए मैं है ना आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा, जिस तरह मैं बोलूँगा आपको यहाँ पर लिखते जाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, हाँ यहाँ देखिए बाबू, चलिए हाँ, तो अगला यहाँ देखिए, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगभग जो है ना बहुत बार ऐसा सवाल है जो पूछ चुका है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, समझे, और प्रकाश जो है ना निर्वात में पर जो गमन करती है। ठीक है, पर जो है ना यह किस में गमन करती है, तो निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का
ऊर्जा है जो निर्वात में गमन करती, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नोट में लिखिएगा, ठीक है, नोट NOTE, नोट नंबर वन, ठीक है। अब नोट नंबर दो में जाएंगे तो दो में क्या लिखेंगे, तो दो में याद देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, तो बाबू मेरे आपको याद रखना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मैं इसको किलो घंटा में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा, तो किलो घंटा में जो है ना 300,000 हो जाएगा, समझे, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब मैं एक और नोट नंबर 3 में लिखवा रहा हूँ, तो नोट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश एक क्या है, सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बताऊँ, तो अगला मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला जो आपका है चौथा नंबर नोट में कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। आप जब 12th में जाइएगा तो इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होते, इस तरह से आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे बाबू। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, तो अगला जो हमारा टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। देखिए मैं इसे लिख लिया हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, समझे, क्योंकि देखिए इस तरह से मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपका जो है ना प्रॉब्लम जो होता है वो हमें आपके लिए सॉल्व करना पड़े, ठीक है। और बिल्कुल ईजी स्टेप में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि है ना इस माध्यम से आपको अगर पढ़ लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे समझिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। देखिए एक सरल रेखा ऐसा क्षेत्र होता है जहां जो है ना प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है। नेत्र का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा रेखा, एक ऐसा क्षेत्र जहां से क्या है प्रकाश निकलकर हमारे नेत्र तक, यानी कि आंखों तक, नेत्र का मतलब आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कितना ईजी है, देखिए आप यहां पर लिखिएगा, यहां देखिए प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डेस्क देख लिखेगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर आंसर लिखेगा कि ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रेखा, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से क्या है प्रकाश जो है ना, प्रकाश की जो किरण है वो निकलकर, कहाँ निकलकर, वो हमारे आंखों तक, हमारे नेत्र तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, तो जैसे की बात किया जाए तो हवा हो जाएगा, क्या होगा, हवा, जल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पानी, इसी हवा, जल को ही पानी कहा जाता है, ठीक है। तो हवा हो गया, जल हो गया, उसके बाद और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हीरा हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इससे जो है ना हमारे आंखों तक पहुंचता है, जैसे इस पर प्रकाश पड़ती है तो हमको है ना नज़र आने लगता है कि हाँ यही पानी है, ठीक है, जैसे ये हवा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि प्रकाश के गमन के आधार पर जो है ना पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की गमन की बात किया जाए तो मैं बताया हूँ कि आपको कि प्रकाश जो है ना सरल रेखा में गमन करती है, और इसी की गमन के आधार पर जो है ना उसको 3 कैटेगराइज में बांटा गया है, जिसका नाम क्या है, तो एक का नाम है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का नाम है पारभाषी पदार्थ, और तीसरा का नाम है अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, पहला का क्या नाम है, तो पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का क्या नाम है, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा का क्या नाम है, तो पारभाषी पदार्थ होता है, ठीक है। आप लोग एक एक करके समझ लीजिए, समझ में आया। चलिए यहाँ देखिए, आपसे अगर सवाल किया जाए कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखिए जिनसे प्रकाश आसानी से गमन कर जाए, जो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है आसानी से गमन कर जाती है वो क्या कहलाएगा, तो
पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं पानी की बात किया है तो पानी जो है ना उसमें जो प्रकाश जो पड़ेगी तो आसानी से गमन कर जाता है, आर पार हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह हवा, हवा में देखते हवा चलती रहती है लेकिन फिर भी जो है ना प्रकाश जो है ना रोशनी निकल कर जो है हमारा सूर्य सूर्य से जो रोशनी निकल कर आती है उनसे गमन करती है और गमन करने के बाद हमको पता चल जाता है कि हाँ ये प्रकाश की रोशनी आ रही है, धूप आ रहा है। ठीक है, इस तरह से समझे। कांच भी बोल सकते हैं, देखिए अगर सीसी देखते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो कांच लगा होता है। ठीक है, तो कांच में क्या होता है कि इधर से की रोशनी जो है ना उधर चला जाता है, धूप की जो रोशनी होती है वो उधर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि प्रकाश जो है ना तीन प्रकार होते हैं। पहला का नाम क्या है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा का नाम क्या है? अपारदर्शी। और तीसरा का नाम पारभाषी पदार्थ। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सक जाती है क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे कांच हो गया, पानी होगा, हवा हो गया, इस तरह। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाती है। ठीक है, कुछ भी गमन नहीं कर पाती है उसे क्या कहते हैं? तो परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं इसकी बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर एक मार्कर है। ठीक है, यहाँ देखिए एक मार्कर है। अगर मार्कर की बात किया जाए तो इस पर रोशनी पड़ा लेकिन इधर की वस्तु आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश इसी पर पड़ा और यहीं से लौट गया। ठीक है, यहीं से क्या हो गया? लौट गया। तो क्या कहता है ये? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर प्रकाश पड़ गया लेकिन इसके अंदर नहीं गया, इसको आर पार नहीं कर पाया। इससे हम क्या होते हैं कि हम देख नहीं पाते। तो उसी तरह टेबल, टेबल क्या, टेबल में क्या प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह है यहाँ देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर बुक है, ठीक है, मैं इस बुक को दिया हूँ और यहाँ पर मैं टॉर्च मार रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर टॉर्च लगाया और टॉर्च जब मारेंगे तो क्या ये इस पार आ जाएगा टॉर्च? क्या बिल्कुल इसकी रोशनी इधर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाया। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इधर जो जो भी चीज़ लिखा हुआ आपको दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे होगा टेबल हो गया, पेन हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला हमारा जो है पारभाषी। ठीक है, वैसा पदार्थ है ना जिनसे प्रकाश की किरण कुछ ही अंश जो है ना बाहर निकल पाता है। ठीक है, कुछ ही अंश बाहर निकल पाते हैं पारभाषी पदार्थ कहा लेते हैं। ठीक है, पारभाषी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश की किरण जिनकी सहायता से कुछ ही अंश क्या होता है बाहर निकल पाती है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पारभाषी पदार्थ। जैसे मैं बात किया है तो घिसा हुआ कागज, समझे, घिसा हुआ कागज लगा हुआ कागज में लगा हुआ तेल, घिसा हुआ कागज नहीं, कागज में जो लगा हुआ तेल हो जाएगा उसमें लगा हुआ तेल उसका कागज होगा, घिसा हुआ कागज हो सकता है। ठीक है, घिसा हुआ कांच हो सकता है। ठीक है, घिसा हुआ कांच हो जाएगा और कागज हो जाएगा और लगा हुआ कागज उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से तो आप लोग समझ में आया। चलिए अब हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए अब मैं बात किया जाए तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अगर मैं बात किया जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, आपको याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको जो है ना मैं अगले वीडियो में स्लाइड में जो है ना आपको लेकर आने वाले हूँ। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर जो है ना आप एक कमेंट कर दिया कि जी हाँ सर इसी तरह का अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसी तरह का वीडियो है ना लाते रहिए। ठीक है, हम लोगों के लिए तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और इसके लिए जो है मैं आपको है ना एक और अच्छे तरीके से एक और अच्छे नज़रिए से मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम में जुड़िए जिससे है ना आपको मैं PDF पूरा का पूरा यहाँ पर लिख कर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।